हिंदुस्तान में एक ऐसी फिल्म बनाऊँ मैं बड़ा इस मामले में नेशनलिस्ट हूं कि ऐसी फिल्म बनाऊँ कि दुनिया देख कर इंडिया के अंदर बेस्ट फिल्में बनती है तो आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट दैट्स माई ड्रीम लेकिन अगर आप फिल्मों से पैसे नहीं कमाते तो फिर कहां से कमाते हैं नाचता गाता रहता हूँ मैं जाता हूँ पार्टीज़ में डांस करता हूँ और प्राइड से करता हूँ शोज़ में करता हूँ और माशाल्लाह वहाँ बनी अच्छी बहुत अच्छी मार्केट है मेरी लाइव शो में बहुत मार्केट चल रही है मेरी आजकल बहुत मस्त एकदम चल रहा है मैं एंडोसमेंट्स करता हूँ इतनी आई थिंक मैं बीस इक्कीस एंडोसमेंट्स करता हूँ और मैं बहुत डंके की चोट से ये बोलता हूँ और सब जवान लोगों को मैं ये सच बताऊँगा कि पैसा कमाने में अच्छा घर खरीदने में अच्छी गाड़ी होने में अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखने में कोई भी बुरी बात नहीं है लोग आपको बोलें कि मटेरियल चीज़ मत करो आप जो हैं मतलब हिमालय चले जाओ और पैसे में कुछ नहीं है बट है आप अच्छे पहले बच्चों को पढ़ाई दें उनको अच्छा घर दें और उसके बाद जो भी करना है जो दिल जो लगता है ऐसा मुझे फिल्मों में लगता है उसको दिल खोल कर बनाएं तो मैं जेनविनली भगवान ने मुझे बहुत दिया है मैं अच्छा कमाता हूँ और इन चीज़ों से कमाता हूँ और एकदम खुल के और खुशी से कमाता था बाईस साल पहले मुझे याद है आपकी अदालत आपने कहा था कि आप खालिद मोहब्बत के पास गए थे जेब में पैसे डाल के कि भाई ख़रीदना है मुझे अवार्ड हाँ मुझको ऐसा लोगों ने बोला था कि ये ना ये लोग पैसे लेते हैं ये करते हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे मैं जैसे मैंने काफ़ी बेवकूफियाँ की उन, उन महीनों में छः सात महीने में तो मैं वहाँ पहुँच गया मैं कहा यार ये अवार्ड मेरा होना चाहिए आई थिंक बाजीगर फिल्म थी काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी मैंने हार कर जीतने वाले को बाजीगर कर और मैं मैं बेबूकूफी की तरफ वहाँ पहुँच गया मैं कहा मैंने सुना यार तुम लोग जो है पैसे ऐसे लेके अवार्ड देते हो तो मेरे पास ही ढाई सौ तीन सौ रुपये है तो यही ले लो बाकी हम किस्तों में करते रहेंगे तो मुझे याद है वो ऐसे बेचारा शर्मा गए थे बड़े शरीफ से आदमी थे वो